हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉलेज मेट एकेडमी। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एफिशिएंसी वेज थ्योरी और यू कैन से एफिशिएंसी वेज मॉडल। तो देखिए, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसके रीजन पढ़ेंगे और फिर ये मॉडल पढ़ेंगे और मॉडल के बाद फिर हम इस मॉडल के इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो देखिए, एफिशिएंसी वेज थ्योरी है क्या। बेसिकली एफिशिएंसी वेज थ्योरी ये कहती है कि जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयर्स को मार्केट वेज रेट से ज्यादा वेज देना चाहते हैं। देखिए, एक मार्केट वेज रेट होता है, इस वेज रेट को हम लोग इक्विलिब्रियम वेज रेट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो फर्म वेज रेट देती हैं या जो फर्म वेज रेट दे रही हैं, वो वेज रेट मार्केट वेज रेट इक्विलिब्रियम वेज रेट से ज्यादा है, ये कहते हैं एफिशिएंसी थ्योरी। Now question is that कि फर्म मार्केट वेज रेट और इक्विलिब्रियम वेज रेट से ज्यादा क्यों देती हैं? तो इसके चार कारण हैं, चार रीजंस दिए जाते हैं। पहला रीजन तो ये दिया जाता है कि अगर हम बहुत ही बैकवर्ड लेवल पे बात करें कि अगर बहुत ही ज्यादा जो लेबर है वो बहुत ज्यादा गरीब है या उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ज्यादा पुअर है, तो ये वेज थ्योरी ये कहती है कि अगर हम उसको ज्यादा सैलरी देते हैं, ज्यादा वेज देते हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि वो अच्छा खाना खाएगा, अच्छे न्यूट्रिशंस लेगा और अच्छा खाना खाने से, अच्छे न्यूट्रिशंस खाने से उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, वर्क कैपेसिटी बढ़ने से फर्म को फायदा होगा, इसलिए फर्म ज्यादा सैलरी या ज्यादा वेज रेट ऑफर करती है। देखिए, ज्यादा वेज रेट देने से फर्म की को क्या होता है, दो चीजें हैं। जब फर्म ज्यादा वेज रेट देगी तो फर्म के खर्चे बढ़ेंगे, कॉस्ट होगी, बट दूसरी तरफ बेनिफिट भी मिलेगा। वो बेनिफिट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बेनिफिट्स, फर्म ये कहते हैं कि ज्यादा वेज रेट देने के जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा है उसकी कॉस्ट के कंपेयर में। यानी अगर फर्म ज्यादा वेज रेट देगी तो जितना उसकी कॉस्ट आती है, जितना उसका खर्चा होता है, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया कि वर्कर्स की वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी, ये माना जाता है। दूसरा ये माना जाता है कि जो वर्कर ज्यादा वेज रेट पे ही काम करते हैं, इसको अगर उनको कम वेज रेट मिलेगा तो काम ही नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं रिजर्वेशन वेज रेट। रिजर्वेशन वेज रेट का मतलब होता है कि ये कम से कम मिनिमम वेज है, इससे कम मिनिमम वेज पे फर्म, सॉरी, इससे कम वेज रेट पे लेबर काम करने को तैयार ही नहीं होगी। तो जो रिजर्वेशन वेज है, रिजर्वेशन वेज रेट का मतलब है ऐसी वेज रेट से जो आपको कम से कम देनी ही पड़ेगी अगर आप वर्कर से काम कराना चाहते हो। अगर इससे कम दोगे तो वो अपनी सर्विस ऑफर ही नहीं करेगा आपको। तो फर्म का मानना यह है कि जिन वर्कर्स का रिजर्वेशन वेज हाई होता है उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी भी ज्यादा, यानी वो बाकी वर्कर से ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो जिनका हाई रिजर्वेशन वेज होता है, इसलिए भी फर्म ज्यादा वेज रेट देती है। दो रीजन हुए। तीसरा रीजन यह है कि फर्म यह कहती है कि अगर हम उनको मार्केट वेज रेट से ज्यादा वेज रेट देते हैं तो जो वर्कर है वो फर्म के लिए लॉयल, ईमानदार होके काम करता है, लॉयल हो जाता है वो फर्म के लिए। और चौथा रीजन ये दिया जाता है कि अगर फर्म वर्कर को ज्यादा वेज रेट देती है तो वर्कर काम चोरी नहीं करते हैं। वो काम चोरी इसलिए नहीं करते हैं कि अगर वर्कर काम चोरी करेगा और वो पकड़ा गया तो उसको फायर कर दिया जाएगा,
उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और अगर उसको जॉब से निकाल दिया जाता है तो उसको आसानी से ऐसी दूसरी जॉब नहीं मिलेगी जहां पे उसको ज्यादा सैलरी मिले। इसलिए ज्यादा सैलरी मिलने से जो वर्कर है वो काम चोरी नहीं करता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्क थिंकिंग बिहेवियर। वर्क थिंकिंग बिहेवियर का मतलब काम चोरी नहीं की जाती है अगर ज्यादा सैलरी मिलती है। तो ये चार रीजंस हैं ज्यादा सैलरी देने के, ठीक है। अब फर्म अगर ज्यादा सैलरी देती है तो उसके बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, वो इसलिए देती है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या है इसका, देखिए इसका रिजल्ट ये है, अगर फर्म ज्यादा सैलरी देती है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक फर्म के पास 1 लाख रुपीज है एम्प्लॉइज को देने के लिए, वो एक एम्प्लॉइज सॉरी 1 लाख रुपीज है, अब वो उसमें 2 वर्कर हायर करती है और उसी वेज रेट में वो 3 वर्कर भी हायर कर सकती थी, 3 को 33,000 रुपीज देके, यानी अगर 1 लाख रुपए फर्म के पास है और वो 3 वर्कर को 33,000 रुपए देती है तो 3 वर्कर हायर कर सकती है। बट फर्म ने क्या करा, फर्म ने 2 वर्कर हायर करे और दोनों को 50,000 रुपए सैलरी दी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक आदमी अनएम्प्लॉयड हो गया। तो इसका रिजल्ट ये होता है हाई वेज रेट देने की वजह से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो मैंने आपको एफिशिएंसी वेज थ्योरी बता दी है। एफिशिएंसी वेज थ्योरी का मतलब है फर्म मार्केट वेज रेट से ज्यादा वेज रेट इसलिए देती हैं जिससे वर्कर्स की वर्क एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके चार रीजंस भी मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग आते हैं इसके मॉडल पे कि इसका जो मॉडल है वो किस तरह का है। तो देखिए एफिशिएंसी वेज थ्योरी में पहले हम कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं। आपको पता है जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं तो उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। पहला एजम्पशंस ये है कि एम नंबर ऑफ फर्म्स हैं, यानी जितने भी नंबर ऑफ फर्म्स हैं हमने उनको एम मान लिया है। और दूसरा एजम्पशंस ये है एन है नंबर्स ऑफ वर्कर, इतने वर्कर हैं। और जो आपका W है वो रियल वेज रेट है। और फोर्थ एजम्पशन ये है L, L है लेबर डिमांड। यानी कि ये इतनी लेबर है जितनी लेबर फर्म खरीद रही है। ये चार चीजें पहले आप अच्छे से याद कर लीजिए समझने से पहले, एम जितनी फर्म है, एन जितने वर्कर है, रियल वेज रेट और जितनी लेबर की डिमांड करी जाती है, लेबर डिमांड बाय फर्म। अब हम बात करते हैं इसके मॉडल की। तो देखिए एफिशिएंसी वेज मॉडल के अंदर एजम्पशंस के बाद हमें प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है और ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो वाई है ये टोटल आउटपुट है, ई आपका एफर्ट है, एल में आपको बता चुका हूँ लेबर डिमांड है। अगर ई और एल की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ई एफर्ट है तो हमारे पास इफेक्टिव यूनिट ऑफ लेबर आ जाती है। ई एल का मतलब है वो लेबर की यूनिट जो एफर्ट कर रही है, ठीक है, इफेक्टिव लेबर होगी। इसके बाद ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ज्यादा है मीन्स पॉजिटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा। और सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिमिनिशिंग होगा। अब हम ई को अलग से पढ़ेंगे, एफर्ट फंक्शन। एफर्ट फंक्शन ये कहता है, देखिए ये क्या है, ई एफर्ट है आपको पता है, वी का मतलब रियल वेज है। तो एफर्ट फंक्शन की इक्वेशन ये कहती है कि जो वर्कर का एफर्ट है वो उसकी वेज पे डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा वेज उसको दोगे उतना ज्यादा वो एफर्ट करेगा। तो अगर वेज बढ़ती है तो एफर्ट भी बढ़ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इस मॉडल में डिफाइन करेंगे कि कितनी वेज रेट दी जाए। ये हो गया ना, वेज रेट देनी है और मार्केट
वेज रेट यानी इक्विलिब्रियम वेज रेट से ज्यादा देनी है, बट कितनी देनी है? तो फर्म उतनी वेज रेट देगी जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, इसके लिए हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में पाई से डिनोट करा जाता है, पाई, पाई से। अब देखिए प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जितना भी आउटपुट है हम आउटपुट में से कॉस्ट को घटा देंगे, ठीक है। ये तो फर्म का आउटपुट है, कॉस्ट को घटा देंगे। और जो कॉस्ट है हमारी, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है जितने भी वर्कर्स खरीदे जाते हैं, मतलब हायर करी जाती है, जितने भी लेबर, उनको जो पैसा दिया जाता है। क्योंकि इस प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ एक ही इनपुट है और वो इनपुट है लेबर। ये सिंगल इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन है, तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो होगी W इनटू L। W का मतलब रियल वेज है, L का मतलब है लेबर, जितनी हायर करी है। तो जितनी लेबर फर्म ने हायर करी है उसको वेज से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, यानी मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू है ये, तो वाई की जगह आप ये लिख दीजिएगा ई एल माइनस डब्ल्यू एल। इसके बाद जो ये ई है, ई की वैल्यू क्या है, देखिए ई की वैल्यू है ये, तो हम लोग लिखेंगे इसको एफ ई डब्ल्यू इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये फंक्शन का साइन इग्नोर कर देंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे ये। अब क्योंकि हमें इस इक्वेशन को देखना है ये कम मैक्सिमम होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे तो इस प्रॉफिट का डेरिवेटिव दो बार होगा। पहले हम इसका प्रॉफिट का डेरिवेटिव एल के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब एल के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए पहले तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव तो ये हो गया, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे ई डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको कॉन्स्टेंट मान लेंगे, और लेबर का डेरिवेटिव हो जाएगा वन। यहाँ पे डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा, लेबर का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। देखिए जब पार्शियल डेरिवेटिव लेबर के एस्पेक्ट में होगा तो लेबर को वेरिएबल माना जाएगा, बाकी को माना जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी ये, ठीक है। इसके बाद अब प्रॉफिट का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, पहले हम लोगों ने करा था लेबर के रेस्पेक्ट में, अब करेंगे वेज के रेस्पेक्ट में। तो जब वेज के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एल ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और उसके बाद डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा, सॉरी डब्ल्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, लेबर ऐसे ही रहेगी, ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये, आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो देखिए ये दो पार्शियल डेरिवेटिव आ चुके हैं, मैंने इनको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अब हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये होती है कि हमने जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करे हैं ये, हम इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो देखिए जब इस इक्वेशन को आप जीरो के इक्वल रखोगे तो क्या होगा, ये आ गया। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, ऐसे ही ये भी इधर आ जाएगा, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड।
अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन से। तो डिवाइड किस तरीके से करोगे आप ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा। पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखोगे, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे, तो देखिए यहां पे हमने डिवाइड कैसे करा है, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करा है, और फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड से डिवाइड करा है। डिवाइड होने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा ये एफर्ट फंक्शन, ये है डेरिवेटिव ऑफ एफर्ट फंक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, इसके नीचे वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें इस साइड पे सिर्फ वन बचाना है, तो वन बचाएंगे तो ये डब्ल्यू देखिए ऑलरेडी पहले ही है, ये एफर्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इधर आ जाएगा और ये एफर्ट फंक्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, इसको दोबारा रिराइट करते हैं। रिराइट कैसे करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे आपकी, अब ये जो वन था ये आ गया राइट हैंड साइड पे, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो इस वाली वैल्यू को आगे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ये जो वेज थी W को हम लोगों ने इधर लिख लिया है वेज 8 को, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। आप पहले यहां तक नोट कर लीजिए, अब देखिए पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, तो मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिख रहा हूं। चलिए ये हो गया वन। अब एक बात आप समझिए कि ये क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ एफर्ट फंक्शन, आपको पता है ना ये साइन डेरिवेटिव का है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफर्ट फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये डेरिवेटिव है एफर्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो इसकी जगह आएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफर्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेज, इसकी जगह आ गया ये जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा ऐसे, ये हो गया वन। मैं इसको भी रफ कर देता हूं। अब देखिए हम लोग जब से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रेस्पेक्ट टू पी, जो कि ऐसे होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, ये फंक्शन ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में, और अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है तो हमारे पास इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है ये। तो देखिए अगर ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी, पी, तो इस हिसाब से अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड यानी क्यू, बट क्यू के पास हमारे पास क्या है, हमारे पास है एफर्ट फंक्शन, तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू पी, विथ रेस्पेक्ट टू पी, पी की जगह हमारे पास क्या है, हमारे पास है पी की जगह डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि रियल वेज। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू रियल वेज। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि इलास्टिसिटी ऑफ रियल वेज रेट का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू रियल वेज, ये आपको ये बताती है कि अगर रियल वेज इंक्रीज कर जाती है 1% से, किससे इंक्रीज कर जाती है 1% से, तो एफर्ट में कितना इंक्रीज होगा, कितना, ये हमें बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू रियल वेज। इज इट क्लियर।
तो इलास्टिसिटी ऑफ रियल वेज हमें बताती है कि रियल वेज 1% से बढ़ जाएगी तो एफर्ट फंक्शन में क्वेश्चन मार्क, मतलब कितना इंक्रीज होगा। आप राइट हैंड साइड पे आइएगा, राइट हैंड साइड है 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन 1 के इक्वल है। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन 1 के इक्वल होगी तो इसका मतलब ये है कि रियल वेज में अगर रियल वेज इंक्रीज हो जाती है 1% से तो एफर्ट भी इंक्रीज करेगा, किससे, 1% से। ये इस इक्वेशन का कंक्लूजन है या इम्प्लीकेशन कह सकते हो। तो देखिए ये इक्वेशन कहां से आई है, ये इक्वेशन आई है प्रॉफिट को मैक्सिमम करके, प्रॉफिट को मैक्सिमम करके हमारे पास ये इक्वेशन आई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन आई। इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन है 1 के इक्वल, इसका मतलब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर रियल वेज 1% से इंक्रीज होगा तो एफर्ट फंक्शन भी 1% से इंक्रीज होगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल वेज के इंक्रीज होने पर एफर्ट कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो आप सीधा सीधा आंसर देना कि इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कब है, और जिस पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन है 1। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमम पॉइंट पे, ऑप्टिमम मतलब इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम का मतलब जहां पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन होगी 1, और इसका मतलब 1% रियल वेज बढ़ने से 1% ही एफर्ट बढ़ेगा, ये इक्विलिब्रियम है। इज इट क्लियर। अब इसके कुछ और इम्प्लीकेशंस हैं, वो आप नोट कर लीजिए, सॉरी मैं भी बताता हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो देखिए इस इक्वेशन के 3 इम्प्लीकेशंस हैं। पहला इम्प्लीकेशन तो ये है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ एफर्ट फंक्शन इक्वल टू 1 है, तो पहला इम्प्लीकेशन मैं आपको बता चुका था, दोबारा मैंने लिख दिया कि अगर वेज रेट 1% से इंक्रीज हो जाती है तो फिर एफर्ट भी 1% से इंक्रीज होगा। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है, ये जो रेशो है, ये रेशो कॉन्स्टेंट होगा फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन W, W यानी वेज, रियल वेज। तो अगर W में इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा तो ये रेशो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो रेशो है ये अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा, यानी इससे मिनिमम नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर। अब एक चीज हो रही, देखिए ये है क्या, W का मतलब जो आप वेज दे रहे हो, और EW का मतलब है जो एफर्ट है। अगर आप वेज को एफर्ट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव लेबर। इज इट क्लियर। वेज को अगर आप डिवाइड कर देते हो एफर्ट फंक्शन से तो क्या आएगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव लेबर, यानी इफेक्टिव लेबर को हायर करने की हमारे पास, हमारे लिए पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ये इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है इसका, इस रेशो का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो रेशो है वो पर यूनिट कॉस्ट है इफेक्टिव लेबर की। दूसरा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ये है मैक्स की जो फर्म है वो कितनी वेज रखेगी, फर्म वेज इस हिसाब से रखेगी जहां पर फर्म इफेक्टिव लेबर मैक्सिमाइज द इफेक्टिव लेबर ऑप्टेंड, यानी फर्म मैक्सिमम इफेक्टिव लेबर को ऑप्टेंड कर पाए, फर्म उतनी वेज रेट देगी, उतनी वेज रेट रखेगी जिससे वो इफेक्टिव लेबर को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टेंड कर पाए फ्रॉम गिविन आउटले। फ्रॉम गिविन आउटले का मतलब है जितना पैसा उसके पास है लेबर पे खर्च करने के लिए, उस पैसे को खर्च करके फर्म ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव लेबर को ऑप्टेन कर पाए, यानी अचीव कर पाए, और यू कैन से हायर कर पाए, ठीक है। ये दो इम्प्लीकेशन हो गए, आप इनको नोट कीजिए। थर्ड इम्प्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड इम्प्लीकेशन क्या है, हमारा थर्ड इम्प्लीकेशन ये है कि वेज रेट वहां पर डिफाइन होती है जहां पर इफेक्टिव लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट और इफेक्टिव लेबर की मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है। जिस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वहां पर हमारी वेज रेट डिटरमाइन हो जाती है।
तो ये हमारी ऑप्टिमम वेज रेट है, ऑप्टिमम वेज रेट W के इक्वल होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के। अब ऐसा हमेशा होता नहीं है, दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि जो हमारी W है वो ऑप्टिमम रियल वेज से कम हो, तो अगर W ऑप्टिमम रियल वेज से कम होगी तो देखिए क्या होगा। अगर W ऑप्टिमम रियल वेज से कम है तो इस वेज रेट को बढ़ाने की जरूरत है। क्यों बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि अगर आप ऑप्टिमम रियल वेज रेट से कम वेज रेट दोगे किसी वर्कर को, तो उसे पता है यार वेज रेट तो ये कम दे रहे हैं, जो ऑप्टिमम वेज रेट है वो मेहनत से काम नहीं करेगा, वो अपना पूरा एफर्ट नहीं मारेगा। इस केस में आप वेज रेट को बढ़ाओ, वेज रेट को बढ़ाने से क्या होगा, लार्जर इंक्रीज, ये साइन है इंक्रीज का इन एफर्ट। तो इस केस में अगर आप वेज रेट बढ़ा देते हो तो वेज रेट को बढ़ा के एफर्ट में काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये दोनों इक्वल ना हो पाए। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप वर्कर को ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेज दे रहे हो। बहुत ज्यादा वेज देने का मतलब क्या होगा, अब और अगर आप बढ़ाओगे तो बढ़ाने का तो कोई फायदा है नहीं, अगर आप और बढ़ाओगे तो होगा क्या, और वेज रेट बढ़ाने से उसका एफर्ट तो बढ़ेगा बट थोड़ा सा बढ़ेगा। थोड़ा सा क्यों बढ़ेगा, ऑलरेडी उसको बहुत ज्यादा वेज दे रहे हो, तो ज्यादा वेज रेट देने से अब ज्यादा एफर्ट नहीं बढ़ सकता, वहां पे ज्यादा एफर्ट बढ़ने के चांसेस है ही नहीं, थोड़े से चांसेस हैं, तो एफर्ट बढ़ेगा बट कम स्मॉलर परसेंटेज में बढ़ेगा। तो ये जितने भी इम्प्लीकेशंस मैंने तीन बताए हैं, ये इम्प्लीकेशन है इस ऑप्टिमम सॉल्यूशन के। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ द मॉडल ऑफ एफिशिएंसी वेज थ्योरी। तो देखिए अब हम इस टॉपिक को एंड करते हैं, और इस टॉपिक को खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमारे पास लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करने के लिए बचा है वो है इस मॉडल के इम्प्लीकेशंस। तो इस मॉडल का पहला इम्प्लीकेशन ये है, अगर नंबर ऑफ वर्कर टोटल डिमांड फॉर लेबर के इक्वल नहीं है तो क्या होगा। देखिए नंबर ऑफ वर्कर को एन से डिनोट करा गया है, और आपको पता है एम का मतलब है नंबर ऑफ फर्म, और इसका मतलब है डिमांड फॉर लेबर बाय ए फर्म ऑप्टिमम लेबर पर, ऑप्टिमल लेबर पर यानी इक्विलिब्रियम पर। तो एक फर्म इतनी डिमांड करती है, टोटल फर्म एम है, तो टोटल डिमांड कितनी होगी लेबर के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ वर्कर के इक्वल नहीं है, अगर नंबर ऑफ वर्कर के इक्वल नहीं है तो फिर दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि वर्कर ज्यादा है और डिमांड कम है, तो इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सीधी बात है वर्कर ज्यादा है डिमांड नहीं है। दूसरा केस वर्कर कम है डिमांड ज्यादा, जब लेबर की डिमांड ज्यादा होगी तो वेज बढ़ेगी, वेज बढ़ने से क्या होगा, वेज बढ़ने से बाद में लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। एम एल का मतलब है लेबर की डिमांड, ठीक है। इसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रियल वेज नहीं बढ़ती है। देखिए इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो, ये बात लिखे बिना आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस पूरी थ्योरी को हमने जो प्रूव कराया है वो यही प्रूव करना है। जो एफिशिएंसी वेज थ्योरी है वो यही कहती है कि इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पे रियल वेज नहीं बढ़ती है बल्कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। अब जब वेज रेट तो बढ़ नहीं रही है, यानी कि फर्म को ज्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ रही है, जितनी वो दे रही थी वो ऑलरेडी पहले ज्यादा दे रही है। आपको पता है ना एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी क्या कहती है, कि फर्म ऑलरेडी मार्केट रेट से ज्यादा सैलरी दे रही है, तो जब वो ज्यादा सैलरी दे रही है और रियल वेज बढ़ने का आप कोई चांस है नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई तो फर्म क्या करेगी, फर्म और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगी बट रियल वेज नहीं बढ़ाएगी। जब फर्म रियल वेज नहीं बढ़ाएगी तो इकोनॉमी में प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि इकोनॉमी में प्राइसेस जब भी बढ़ेंगे, जब रियल वेज बढ़ेगी बट रियल वेज तो बढ़ नहीं रही, जब रियल वेज नहीं बढ़ रही है तो फिर प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे, और जब प्राइस नहीं बढ़ेंगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिजिडिटी इन प्राइस। तो ये तीन इम्प्लीकेशंस थे मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय।